एक जमाने में छुआछूत की बीमारियां मास डेथ का नंबर वन रीजन मानी जाती थी। आज जान लेने का ये बीड़ा हार्ट डिजीज ने उठा रखा है। जी हाँ, हार्ट रिलेटेड डिजीज हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में मौत का सबसे बड़ा कारण है दिल की बीमारियां। हर साल भारतवर्ष में तकरीबन 90,50,000 लोग भिन्न भिन्न बीमारियों से मरते हैं। इसमें से 24.8% डेथ्स हार्ट रिलेटेड डिजीज से होती हैं। ये एक ऐसी बीमारी है जो देश की प्रगति के साथ साथ बढ़ती जा रही है। इसके कारण भी अनेक हैं, जैसे ओबेसिटी, कोलेस्ट्रॉल, हाइपरटेंशन, डायबिटीज और स्ट्रेस। स्टडीज ये बताती हैं कि 2020 तक इंडिया दुनिया में हार्ट डिजीज पेशेंट्स का सबसे बड़ा देश होगा। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है अरूप और आप सभी का स्वागत है आईपीसी हार्ट केयर में। दोस्तों, अभी अभी आपने एक ऑडियो विजुअल देखा जिसके तहत आपने ये समझा कि धीरे धीरे पुरुषों के साथ साथ महिलाओं में भी हार्ट प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही है। जी हाँ, ये जोखिम महिलाओं की तरफ भी बढ़ता जा रहा है। तो कैसे निपटे इस प्रॉब्लम से, वो कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो हम ले सकते हैं, वुमेन रिलेटेड हार्ट प्रॉब्लम से कैसे जूझे, इन सारे सवालों का जवाब देंगी हमारे साथ मौजूद वर्ल्ड रिनॉर्ड प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रतीक्षा। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इस कहावत को सही मायने में प्रैक्टिस करती हैं डॉक्टर प्रतीक्षा। जहां विश्व भर में मेडिकल साइंस हार्ट डिजीजेस को हराने में लगी हुई है, वहीं डॉक्टर प्रतीक्षा हार्ट डिजीज के कारणों को रोक रही हैं। इसे संभव बनाने में सहायक हैं उनकी थेरेपीज जैसे कि ईसीपी और एसीटी। इन्होंने बाईपासिंग बाईपास नामक किताब भी लिखी है जो दुनिया भर में पॉपुलर हुई है। नॉन सर्जिकल प्रिवेंटिव हार्ट डिजीज एक्सपर्ट डॉक्टर प्रतीक्षा ने 20,000 से ज्यादा लोगों का सक्सेसफुल इलाज किया है और उनके द्वारा स्थापित आईपीसी सेंटर में वो निरंतर सक्रिय हैं। डॉक्टर प्रतीक्षा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर। फ्रेंड्स, आज का हमारा विषय है वुमेन एंड हार्ट प्रॉब्लम्स। जी हाँ, तो अगर आप ऐसी किसी प्रॉब्लम से जूझ रही हैं या अगर आपके दिलो दिमाग में कोई शंका है तो प्लीज हमें कॉल कीजिए। हमारा नंबर है 0224098800। कीप कॉलिंग अस एंड कीप टॉकिंग टू डॉक्टर प्रतीक्षा, वर्ल्ड रिनॉट कार्डियोलॉजिस्ट। तो फोन जल्दी से उठाइए और जल्दी से लगाइए। चलिए बात करते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। मैं चलता हूँ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स ऑफ मेन एंड वुमेन? या दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्या है कि ज़्यादातर हार्ट की जो बीमारी है ना वो मेल डोमिनेटेड है, मतलब कि उसमें ऐसा लगता है कि पुरुषों में ही है। तो लेकिन क्या पुरुषों के हार्ट डिफरेंट होते हैं ऐसे नहीं? या आई टेल यू दैट दैट्स ट्रू। क्या है कि महिलाओं के जो हार्ट है उसकी जो आर्टरीज की साइज स्मॉलर होती है। अच्छा। ठीक है, दैट इज अ टेक्निकल डिफरेंस एंड द नेचर ऑफ द डिजीज ऑल्सो डिफरेंस। काफ़ी बार क्या है कि जैसे पुरुषों में जो मेन आर्टरीज है उसमें ब्लॉकेजेस देखते हैं, महिलाओं में भी चेस्ट पेन होता है। काफ़ी बार एंजियोग्राफी नॉर्मल आती है लेकिन जो छोटी आर्टरीज में ब्लॉकेजेस होने के वजह से उनको चेस्ट पेन होता है। दूसरा मैंने क्या देखा है कि महिलाओं को काफ़ी बार बीमारी कम होने के बावजूद वेदना ज़्यादा होती है, मतलब उनको तकलीफें ज़्यादा महसूस होती है। चलिए हमारे पहले कॉलर ऑनलाइन, उनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो जी, नमस्कार, आपका शुभ नाम बताइए मैडम। मेरा नाम सरिता देशमुख है जी। कहाँ से बोल रही हैं आप? मैं इगतपुरी से बात कर रही हूँ। ऑलराइट, वेलकम टू द शो मैडम, पूछिए आपको क्या पूछना है। सर, मेरा एज अभी 50 इयर्स है। मैं चलने के बाद या काम करने के बाद मेरे सीने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, चेस्ट में दर्द होते हैं। तो मैंने सुना है आफ्टर मेनोपॉज हार्ट डिजीज की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, क्या ये सच है? सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि आपको जो चलने में तकलीफ हो रही है उसके लिए आपने कोई जांच वगैरह करवाई है क्या, कोई टेस्ट वगैरह करवाई है आपने? नहीं, इससे ऐसे मुझे लगता है कि कभी कभी अपना एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, ऐसे मुझे लगा लेकिन मैंने कभी चेक नहीं किया। नहीं तो मिसेस देशपांडे, आपको चेक जरूर करना चाहिए क्योंकि आप जो चलने में प्रॉब्लम बता रही है कि आपको चलने में चेस्ट पेन होता है, वो हार्ट रिलेटेड हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्योंकि काफ़ी बार हम लोग देखते हैं कि ECG या बेसिक टेस्ट करते हैं नॉर्मल आता है लेकिन फिर भी 50% हार्ट डिजीज होने की संभावना होती है। तो इसके लिए
आईपीसी में हम यू नो स्पेशली डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं जिससे हम बता सकते हैं कि आपको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है कि नहीं। थैंक यू सो मच मिसेस देशपांडे, आई होप कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स वी आर टॉकिंग अबाउट वुमेन एंड हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स इन वुमेन। सो मैं सभी औरतों से निवेदन करूंगा कि अगर आप ये शो देख रहे हैं तो जल्दी से कॉल कीजिए, हमारा नंबर है 4098800। बिल्कुल शंका में मत रहिए, कॉल कीजिए, बात कीजिए हमारे डॉक्टर डॉक्टर प्रतीक्षा से। तो चलिए माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट आईपीसी हाउ डू यू डील विद वुमेन्स हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम। सेट आईपीसी जैसे मैंने आपको बताया कि वुमेन में हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स अलग वेराइटी है, काफ़ी बार उनको एंजियोग्राफी नॉर्मल होती है और चेस्ट पेन होता है। तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या करते हैं कि वी आर गिविंग देम ड्रिप्स, तो उसका बहुत अच्छा असर पड़ता है। जनरली 10 ड्रिप्स या 20 ड्रिप्स भी गिव, बिकॉज दिस आर द काइंड ऑफ केसेज जो रूटीनली हॉस्पिटल्स में या किधर भी उनको रिलीफ मिलती ही नहीं है, क्योंकि जस्ट दवाई दी जाती है, दे हैव गॉट दिस इश्यूज। दूसरा ये है कि औरतों में स्ट्रेस फैक्टर जो इमोशनल, जैसे आपने पहले भी बताया, तो इमोशनल बैलेंसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो औरतों का जो पूरा ध्यान रहता है कि हस्बैंड है बच्चे है, कि जो ओल्ड लेडीज़ भी आती है तो बच्चों के बच्चे है, दे आर कॉन्स्टेंटली फोकस्ड एक्सटर्नल। सो आई थिंक वी टेक लॉट ऑफ स्पेशल केयर एंड वी ऑल्सो आर एबल टू हेल्प द वुमेन हु कुड नॉट बी हेल्प्ड एनीवेयर एल्स। राइट, तो चलिए इसी बात पर अगले कॉलर से हम बात करते हैं। हेलो। हेलो जी, नमस्कार, आपका नाम बताइए। मेरा नाम ज्योति है। ज्योति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आईपीसी हार्ट केयर में। कहाँ से बोल रही हैं आप? मैं पूना से बोल रही हूँ। ठीक है, पूछिए आपको क्या पूछना है। एक्चुअली मैं 27 एज की हूँ और मैं कॉल सेंटर में जॉब करती हूँ। मुझे बीच बीच में कभी कभी चेस्ट पेन होता है, तो जिसके वजह से डॉक्टर्स ने मुझे एंजियोग्राफी करने के लिए कहा है। तो मैं अभी काफ़ी टेंशन में हूँ और डर गई हूँ मैं, तो मुझे ये जानना है क्या ये करना ज़रूरी है। आपका जो प्रॉब्लम है जो स्ट्रेस रिलेटेड और वर्क रिलेटेड लग रहा है, अगर आपकी कोई भी बेसिक टेस्ट हुई नहीं है तो आपको डायरेक्टली एंजियोग्राफी पे जंप करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एंजियोग्राफी एक इन्वेजिव टेस्ट है जहाँ आपको हॉस्पिटलाइजेशन है और तार डाल के, तो ब्लॉकेजेस होने की संभावना भी आपकी उम्र में बहुत ही कम होती है। तो जो बेसिक कार्डियोलॉजी की जो टेस्ट होती है, स्ट्रेस टेस्ट है, इकोज है, और यू नो उसमें अगर कोई एबनॉर्मलिटी आती है तो ही इसके तरफ जाना चाहिए। मेरे हिसाब से आपको अच्छी तरह से सोना चाहिए और आपकी डाइट को रेगुलेट करना चाहिए। और आपको एक्सरसाइजेस की बहुत ज़रूरत है, अपर बॉडी एक्सरसाइजेस की, क्योंकि आप फ़ोन होल्ड करके है, कंप्यूटर पे है, तो आपके जो रिप मसल्स और जो ऊपर के जो चेस्ट मसल्स सब टाइट हो जाते रहेंगे और स्ट्रेस में, उसके मस्कुलर पेन भी हो सकता है। ठीक है, थैंक यू सो मच ज्योति जी। और मैं आपको बता दूं कि हमारा वेबसाइट है www.ipc-india.org जिस पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट। यंग लेडीज में बहुत सारी प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं। इट्स शॉकिंग ना, 27 टोल्ड टू डू अ सर्जरी। आई मीन लेकिन इस बारे में हम ब्रेक के बाद बात करेंगे, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक। आज हम बात कर रहे हैं वुमेन रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम्स की। जी हाँ, आंकड़े, रीसेंट आंकड़े कुछ ऐसा बता रहे हैं कि जेंट्स के साथ साथ फीमेल्स में भी ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी में ऐसे कौन से स्टेप्स हैं जिन्हें लेना चाहिए ताकि दिल को हम प्रॉपरली अपने पास ख्याल से रख सकें, और बात करेंगी हमारे दिल की डॉक्टर डॉक्टर प्रतीक्षा, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद। कम बैक, थैंक यू। आईपीसी हार्ट केयर इज द फादर ऑफ ईईसीपी टेक्नोलॉजी इन इंडिया। आईपीसी हार्ट केयर भारत का सबसे बड़ा सेंटर जो देता है बिना सर्जरी दिल के इलाज का भरोसा। आईपीसी हार्ट केयर अब तक 20,000 से भी ज्यादा लोगों को बाईपास सर्जरी से बचा चुका है। आईपीसी हार्ट केयर एक्यूरेट डायग्नोसिस, केस सिलेक्शन, क्वालिटी रिजल्ट ओरिएंटेड ट्रीटमेंट का एकमात्र सेंटर। आईपीसी हार्ट केयर जिसकी फाउंडर हैं वर्ल्ड फेमस प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रतीक्षा, जिन्होंने महाराष्ट्र में सबसे पहले इंट्रोड्यूस की ईईसीपी टेक्नोलॉजी। साथ ही आप हैं भारत की ईईसीपी एक्सपर्ट कमेटी की सम्मानित फाउंडर मेंबर। आप भारत की पहली महिला प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजिस्ट हैं जिनको प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए विश्व में सराहना मिली है और कई पुरस्कारों से नवाजा भी गया है। आप आईपीसी हार्ट केयर के माध्यम से समाज के सभी वर्गों, चाहे वो सेलिब्रिटी हो या बिजनेसमैन, यहाँ तक कि आईपीसी फाउंडेशन के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के दिल का इलाज भी कर रही हैं।
आईपीसी हार्ट केयर, जो रखे आपके दिल का ख्याल दिल से। वेलकम बैक टू आईपीसी हार्ट केयर। मेरा नाम है अरूप और हमारे साथ है हमारी दिल की डॉक्टर, डॉक्टर प्रतीक्षा, एक रिनॉर्ड कार्डियोलॉजिस्ट, इनफैक्ट प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजिस्ट, एंड दैट इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग, वुमन एंड हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स। ऐसा क्या किया जाए कि महिलाओं की ये बीमारी को हम आने से पहले ही रोक दें। मैं अपील करना चाहूँगा ऑल टू ऑल दोज लेडीज, जल्दी से हमें कॉल कीजिए। हमारा नंबर है 4098880। अगर आप ऐसी प्रॉब्लम से जूझ रही है, अगर आपको डाउट है, तनिक भी शंका है कि ऐसा प्रॉब्लम आपके साथ हो रहा है, कोई पेन हो रहा है, प्लीज़ हमें जल्दी से कॉल करें, क्योंकि आप बात कर सकती है डायरेक्टली हमारी डॉक्टर, डॉक्टर प्रतीक्षा से। तो चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं। मेरा अगला प्रश्न यही होगा, जैसा कि मैंने ब्रेक पर जाने से पहले भी कहा था कि यंग लेडीज़ में ये प्रॉब्लम बहुत हो रहा है, यंग एज में ऐसा क्यों हो रहा है, व्हाट इज़ द रीज़न आपके हिसाब से? आज न्यूक्लियर फैमिलीज बढ़ गए। पहले क्या होता था कि जॉइंट फैमिली में सब डिवाइड हो जाता था। जैसे आप देख रहे हैं कि अर्बनाइजेशन भी बढ़ रहा है, ज़्यादातर लोग आजकल सिटीज़ में रहते हैं और औरतें भी काम पे जाती है, बच्चों की जिम्मेदारी, यू नो, सो मच ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड स्ट्रेस इज देयर। तो काफ़ी मैं देख रही हूँ कि जो आजकल की जो लेडीज़ है उसमें यंग एज ग्रुप में बिकॉज ऑफ द लाइफ स्टाइल, स्ट्रेस, यू नो, एंड मेनली लोनलीनेस एंड डिप्रेशन, सो दैट इज़ क्रिएटिंग द प्रॉब्लम। चलिए कॉलर से बात करते हैं, हमारे अगली कॉलर। हेलो। हेलो जी, नमस्कार, आपका नाम बताइए। मैं रंजना महाड़िक बोल रही हूँ। रंजना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आईपीसी हार्ट केयर में। नमस्कार। और बताइए आपकी क्या प्रॉब्लम है? मैं ना 52 साल उम्र है मेरी, डायबिटीज है मुझे 10 साल से, और डॉक्टर, मैं बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल में जा चुकी हूँ, डॉक्टर ने बोला है कि मेरा हार्ट फेल हो चुका है और हार्ट का पंपिंग भी मेरा बहुत कम हो चुका है, और एंजियोग्राफी रिपोर्ट कराया मैंने तो रिपोर्ट नॉर्मल आया है। अभी फिलहाल डॉक्टर्स मेडिसिन पे ही रख रहे हैं मुझे, तो एग्जैक्टली ये प्रॉब्लम के लिए क्या हेल्प मिल सकती है मुझे आपसे? जैसे आपने बताया कि आपकी एंजियोग्राफी नॉर्मल है, मतलब आपको कोई ब्लॉकेजेस की बीमारी नहीं है, लेकिन डायबिटीज़, ये लेडीज़ में हम देखते हैं कि डायबिटीज़ जिसको लॉन्ग स्टैंडिंग होता है तो उसके साथ साथ हार्ट के मसल्स कभी कभी डैमेज हो जाते हैं, जिसे हम लोग कार्डियोमायोपैथी कहते हैं। तो आपके साथ एक्चुअली ये कंडीशन हुई है। तो आईपीसी में वी आर हैविंग स्पेशलाइज्ड कार्डियक रिहैब प्रोग्राम्स। कार्डियक रिहैब जो प्रोग्राम्स हैं हम लोग करते हैं, जिसमें हम आपको क्या डाइट होनी चाहिए, आपको कितनी एक्टिविटी करना चाहिए, उसके साथ साथ हमने देखा है कि जो ईईसीपी ट्रीटमेंट हम देते हैं 35 डेज 1 आवर डेली, दिस इज द ओनली ट्रीटमेंट विच इज़ अवेलेबल फॉर केसेज लाइक यू। सो यू नो इट इज़ अ बून फॉर केसेज लाइक यू, बट वी कैन डेफिनेटली हेल्प यू इन दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम। तो प्लीज निराश मत होइएगा। जी ओके, रंजना जी सुन रही है, धन्यवाद धन्यवाद। ओके ओके, और मैं आपसे इस बात में बारे में सहमत हूँ डॉक्टर, की काफी निराश ये लग रही थी। हाँ, एकदम डाउन। एब्सोल्युटली, प्लीज पीपल, आई वुड लाइक टू से दैट डोंट फियर, प्लीज डोंट फियर, बिकॉज आईपीसी इज हियर। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या डायबिटीज इज द ओनली रीजन फॉर हार्ट प्रॉब्लम्स इन लेडीज? जैसे कि डायबिटीज़ में मल्टीपल ब्लॉक्स होते हैं, ब्लड सप्लाई कम होती है, उसके वजह से भी यू नो लाइक हार्ट प्रॉब्लम होते हैं। जैसे इनका जो अभी रंजना जी ने बताया, तो उनको ब्लॉकेजेस नहीं थे लेकिन उनके हार्ट के मसल्स वीक हो गए। यू नो देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स लाइक वाल्व्स के प्रॉब्लम होते हैं, इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम्स होते हैं। लेकिन एक मिनट, मैं आपको फिर से यहाँ पर रुकूंगा, एक हमारी कॉलर ऑनलाइन है तो जल्दी से पहले उनसे बात करते हैं। हेलो 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 जी, नमस्कार, आपका शुभ नाम? नमस्ते मैडम, मेरा नाम शुभ्रा है। शुभ्रा जी कहाँ से बोल रही हैं? मैं गोवा से बोल रही हूँ। ओके, पूछिए। मेरे मम्मी का एज अभी 55 इयर्स है। हाँ। और अभी उनको ना तकलीफ हो रही है सीने में, और 5 साल पहले उनको बाईपास सर्जरी हो गई है। अच्छा। और उनको डायबिटीज का भी प्रॉब्लम है 10 साल से, मतलब एक बाईपास उनकी हो चुकी है ऑलरेडी। तो अभी वापस उनको सीने में तकलीफ हो रही है, तो डॉक्टर ने फिर से सलाह दी है बाईपास सर्जरी करेगा। नहीं, जैसे कि ऑलरेडी एक बार सर्जरी हो चुकी है और दूसरी सर्जरी बताई है, वैसे केसेस के लिए हम लोग के यहाँ हम जो ईसीपी ट्रीटमेंट देते हैं 35 आवर्स 1 आवर डेली, और ये ट्रीटमेंट में ऑलमोस्ट 95% सक्सेस रेट है। और क्या है कि आप लोग सिंस गोवा में रहते हैं, बाहर रहते हैं, तो हमारे यहाँ जो 4 सेंटर्स है उसके करीब हमने रहने की भी सुविधा है का, मतलब हमारे ट्रीटमेंट कॉस्ट में इंक्लूसिव पैकेजेस रखे हुए हैं। हाँ। लेकिन मैं फ़ोन पे इतना ही बता सकती हूँ, क्योंकि आपको हम अगर दूसरी बाईपास से बचा सकते हैं उसके लिए हमें फिजिकल एग्जामिनेशन और उनके कंप्लीट केस स्टडी भी देखनी पड़ेगी। हाँ। सिर्फ ऐसे मतलब, लेकिन हाँ, मैं एक आपको कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूँ कि ऐसे
आज की तारीख में हम जितने भी केसेस ट्रीट करते हैं आईपीसी में हर रोज, हाँ? उसमें से 50% से ज्यादा केसेस एक बाईपास सर्जरी हो गई या दूसरी बताई है, या बाईपास एंजियोप्लास्टी हो गई या दोबारा करने बोला है, वैसे ही केसेस ट्रीट किए हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग शुभ्रा जी। ओके थैंक यू जी, और उम्मीद की किरण को प्लीज जरा चला के रखिएगा। सो फ्रेंड्स, आप लोगों ने जाना कि एट आईपीसी हार्ट केयर सेंटर एवरीथिंग इज ट्रीटेड विद अ होलिस्टिक अप्रोच, एवरीवन इज गिवन एन ऑनेस्ट ओपिनियन। जी हाँ, और इसीलिए शायद 20,000 से भी ज़्यादा केसेस डॉक्टर ने हैंडल भी किए हैं और उनको बचाया भी है हार्ट सर्जरीज से। इट वॉज वंडरफुल टू हैव यू अगेन ऑन दिस शो मैम, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव योर ओपिनियंस वंस अगेन। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे थे वुमेन रिलेटेड हार्ट प्रॉब्लम्स के बारे में, एंड पर्सनली इन मैटर्स को सोचने समझने के बाद, डॉक्टर साहिबा से बात करने के बाद, व्यूअर्स के रिएक्शन सुनने के बाद, शायद मैं यही बोलूँगा कि आप सर्जरीज को अगर अवॉइड कर सकते हैं तो प्लीज़ डू दैट। At IPC Heart Center, you can do that. Please approach them. अगर आपके दिमाग में कोई भी प्रॉब्लम है, मन में कुछ भी शंका है, क्वेरीज है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा पता है IPC Heart Care Center, 103/104 प्रथमेश बिल्डिंग, रघुवंशी मिल कंपाउंड, SV रोड, लोअर परेल वेस्ट, मुंबई 400013। टेलीफोन नंबर 02240988000 और 9199300999975। सो दिस इज अरूप साइनिंग ऑफ। लेकिन जाने से पहले दोस्तों, याद रखिएगा, प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी यानी कि नो सर्जरीज, नो एंजियोप्लास्टी, नो एंजियोग्राफी यानी कि दिल की चीरफाड़ बिल्कुल नहीं, दिल का पूरा पूरा ख्याल। दोस्तों, आगे आने वाले एपिसोड्स में हम और भी पहलुओं पर बात करेंगे प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी की, और हमारे साथ होंगी हमारी डॉक्टर प्रतीक्षा। तब तक कीजिए थोड़ी सी प्रतीक्षा। दिस इज अरूप साइनिंग ऑफ फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस।